नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देश में आज कोरोना संक्रमण के 29,616 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 28,046 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घटकर 3,01,442 लाख हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 290 मरीजों ने महामारी से जान गंवाई है। ICMR के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 15,27,443 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 55,83,67,013 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में अब तक 84,89,29,160 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में 71,04,051 लोगों का टीकाकरण किया गया। फिलहाल भारत में कोरोना रिकवरी रेट 97.98% है। वही नई जानकारी ये है कि कर्नाटक में सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आधी क्षमता पर चल रहे सिनेमा हॉल को 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है। ऐसे ही कोरोना अपडेट और कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें HCN News और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।